सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार, हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर आज की संध्या आराधना प्रार्थना में फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ है। आप सभी आराधना प्रार्थना में जुड़कर आशीषित हुए हैं, आनंदित हैं, उत्साहित हैं। तो आइए आज की संध्या आराधना प्रार्थना में हम सब फिर से साथ मिलकर प्रभु की स्तुति उसकी आराधना करें। तभी की इस संध्या आराधना प्रार्थना में आज आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई नीरज। आराधना में आज अगुवाई करेंगे भाई नीरज, भाई ज्योतिष, भाई रोहित और मैं। वचन पढ़ेंगे भाई रोहित और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी भाई राज के द्वारा। तो आइए आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, इस समय को समर्पित करें, अपने मन को, अपने हृदय को हम तैयार करें और अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की फिर से हम साथ मिलकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। धन्यवाद। आइए इस पल में जब हम इस घड़ी उस सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर के निकट आए हैं, उस पिता का हम धन्यवाद करें। हे अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुनः फिर से तूने पिता इस समय को दिया है मेरे प्रभु, कि पिता एक छोटे झुंड के रूप में मेरे पिता इस घड़ी हम तेरे निकट आते हैं पिता, तेरी स्तुति के लिए, तेरी महिमा के लिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। पिता हम धन्यवाद करते हैं तूने अब तक हमें संभाला है प्रभु, सुरक्षित रखा है पिता। पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरे उस प्रेम के लिए जो निरंतर पिता परमेश्वर तू हमें दिखलाता है मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, तूने हमें पिता जीवित रखा है मेरे पिता, कि हम सुरक्षित है पिता परमेश्वर। तेरी हम स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं पिता, तुझे पुकारते हैं मेरे पिता इस घड़ी में, कि आइए पिता परमेश्वर, तेरी एक परमेश्वर पिता इस घड़ी में, कि हम तेरी महिमा करना चाहते हैं, तेरी आराधना करना चाहते हैं पिता। पिता इस घड़ी हम तुझे पुकारते हैं मेरे प्रभु, आइए इस पल में आइए पिता। पिता हम तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं आत्मा में एक होकर प्रभु। प्रभु तूने कहा है जहां दो या दो से अधिक मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच हो लेता हूं। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तू इस घड़ी उपस्थित है। हाँ पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद हो। हे मेरे प्रभु, हम तो पापी मनुष्य है मेरे पिता, बोली वचन कर्म से पिता गुनाह अपराध कर जाते हैं मेरे पिता। पिता हम सब आत्मा में एक होते हैं प्रभु जिस घड़ी उपस्थित है पिता, जो आराधनालय में है, जो हमें इस घड़ी यूट्यूब के माध्यम से पिता देख रहे हैं, जो जुड़ेंगे पिता उन सबों के लिए और हम सबके एक एक के पाप दोष गुनाह अपराधों के लिए पिता तुझसे क्षमा चाहते हैं। होने देना पिता परमेश्वर कि आपका आत्मा हम पर विचरे पिता। हाँ पिता परमेश्वर तेरा आत्मा हमें बल प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे पिता परमेश्वर। तू हमारे कंठ को खोलना पिता, कि तेरी स्तुति की गीत हम गा सके पिता। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने यह कृपा हमें प्रदान किया है कि हम पिता परमेश्वर तेरी स्तुति कर पाते हैं। आज के दिन में न जाने पिता कितने ऐसे लोग हैं जो आज के इस दिन को नहीं देख पाए होंगे प्रभु। प्रभु फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ को पिता हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, एक एक इक्विपमेंट्स को पिता, इंटरनेट को पिता, पिता वाद्य यंत्र को पिता, जितने भी लोग पिता, हम सब तेरी स्तुति के गीत गाएंगे, हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे अगुओं के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता उनकी दुआ प्रार्थना के लिए जो नित्य निरंतर हमारे लिए करते हैं प्रभु। तेरा हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना दस सेवकाई के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तूने यह कृपा को दिया, तूने यह वरदान को दिया है मेरे प्रभु, कि तेरे कार्य को हम कर पाते हैं पिता प्रतिदिन के जीवन में। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ को पिता तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। इस घड़ी हम प्रभु की स्तुति उसके आराधना में आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हम सबों से बेहद प्रेम करता है और आज हम भी इस बात को मानते हैं, इकरार करते हैं कि हम भी उस प्रभु से, उस यीशु से प्रेम करते हैं। आज हम यहाँ पर हैं जो ऑनलाइन जुड़े हैं, तो वो इस बात का प्रमाण है कि हम भी प्रभु से प्रेम करते हैं, उसे ढूंढते हैं। हम जानते हैं हमारा प्रभु जो हमारे पुकार को सुनता है,
हम जानते हैं आज हम जो कुछ भी हैं वह उस ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का प्रेम है। आज शायद दुनिया के लोग जो संसारिक हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते, इस प्रेम को नहीं जान पाते, लेकिन आज हम इस प्रेम को जान पाते हैं, उस प्रेम को, प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु की शांति को, प्रभु के आनंद को हम महसूस कर पाते हैं। तो आइए उसी प्रेम से भरकर हम प्रभु को धन्यवाद करें, उसे पुकारे। इस घड़ी आप जहाँ कहीं भी अपने मन को, अपने हृदय को एक धन्यवादी मन के साथ उसके निकट आते हुए हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। जितने भी लोग इस घड़ी आराधनालय में हैं, आइए हम खड़े होकर उस ईश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति, उसकी आराधना करें जो हमसे बेहद प्रेम करता है। आइए हम सभी खड़े होकर ताली बजाते हुए इस गीत को बड़े आनंद के साथ झूमते हुए हम गाएंगे। दिल है दीवाना मेरा,
बराबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। दीवाना मेरा, तू ही
सहारा मेरा, तू ही सहारा मेरा। दीवाना 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 दीवाना। सचमुच में प्यारे प्रभु, यह आपका प्रेम है प्रभु, जो आपने हम सबों में डाला है पिता। कि प्रभु आज हम आपके निकट आ पाते हैं प्रभु, आज हम एक दूसरे को प्रेम कर पाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमसे प्रेम करने से पहले आपने हमसे प्रेम किया है पिता। हमारे प्रेम करने से पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सबों को चुना है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इस संसार में से हमें चुनकर अपने नाम की महिमा के लिए पिता अलग किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु आज हम आपके नाम पर एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं। धन्यवाद प्रभु अपनी इस आशीष को हमें देने के लिए, आपके अनुग्रह कृपा सदैव हम पर बनाए रखने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। हमारे इस जीवन को आशीषित करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु अपनी सुंदर उपस्थिति को हमें देने के लिए। धन्यवाद कि हे प्रभु इस घड़ी हम आपकी स्तुति आपकी आराधना कर पाए। आपने हमें इकट्ठा किया पिता और हमारे बीच में प्रभु आप आए। हे प्रभु इस घड़ी हम आपको सुनना चाहते हैं पिता। आए प्रभु इस घड़ी जब आज के इस दिन पिता आप अपने बेटे अपने दास भाई राज के मुख से होकर हमसे बातें करने वाले हैं। हे प्रभु हम आपको पुकारते हैं, वचन सुनने में समझने में हम सबों की सहायता कर पिता। अपने पवित्र आत्मा को दे, उस सत्य की आत्मा को कि हे प्रभु हम उसे ग्रहण कर पाए और प्रभु हम निरंतर प्रभु आप में बने रहने वाले हो पाए, आप पर भरोसा पर विश्वास रखने वाले हम बन पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस घड़ी हर एक प्रार्थना को हम यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए यहाँ ठहराया गया दो वचन हैं जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। पहला वचन जिसे हम पाते हैं यसाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 51 वचन संख्या 3। यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जन देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद का भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हम दूसरे वचन को सुनेंगे जिसे हम पाते हैं नबी आमोस की पुस्तक अध्याय 9 वचन संख्या 11। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनवाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। हम दूसरे अनुवाद से सुनेंगे। नबी इसायस का ग्रंथ अध्याय 51 वचन संख्या 3। प्रभु निश्चय ही सियोन को सांत्वना देगा और उसके खंडरों पर दया दृष्टि करेगा। वह उसकी मरुभूमि को अदन वाटिका के सदृश बना देगा और उसके उजाड़ स्थान प्रभु के उद्यान सदृश। वहां आनंद और उल्लास बना रहेगा, वहां धन्यवाद के गीत गूंजते रहेंगे। हम दूसरा वचन सुनेंगे नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 11। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा, मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडरों का पुनर्निर्माण करूंगा।
वह जैसा पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊंगा, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन सुनने को सुनने से पहले और सुनाने से पहले प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हम सबके जीवन में जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी जरूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए, धन्यवाद हम सब की अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासी हैं उन सब के लिए। धन्यवाद करते हैं तूने हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे जीवन से जुड़े हर बात को अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जितने लोग मुझे जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि ये वचन की बातें, ये भेद, ये स्वर्गीय रहस्य आपकी आत्मा के बगैर ना हम समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं। अब से पहले आपने हमारी मदद की है और आज भी आप ऐसा करने जा रहे हैं। जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुना और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आज जो प्रभु हम लोगों को वचन दिया वो यशाया 51:3, ईशाया 51:3 और आमोश 9:11। ईशाया में लिखता है कि यहोवा ने सियोन को शांति दी, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी, वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वो प्राचीन काल में था वैसा ही बना दूंगा। आज जो प्रभु अपने वचनों में कहते हैं कि जो लोग इस वक्त अपने आप को बहुत तिरस्कृत, परेशान, भविष्य की बातों को लेके चिंतित है, उनसे पिता ईश्वर सीधे तौर पे आज बात करते हैं। कहते हैं कि आपकी नौकरी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, मैं दूंगा। बीते समय में प्रार्थना उद्धव परिवार से जितने लोग जुड़े रहे हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, कल संध्या में शाम में जब प्रार्थना सभा यहाँ की समाप्त हुई तो मैं जब अपने बच्चों से बातें कर रहा था तो मैंने कहा कि हमारा प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, ये कहना बहुत आसान काम है। कोई भी कह सकता है ईश्वर सामर्थी, ईश्वर काम करता है, ईश्वर सब कुछ पूरा करता है, लेकिन जितने अच्छे से इस वचन को हम समझते हैं और बोलते हैं उतने अच्छे से हम इसको मानते नहीं। हालेलुया, नहीं मानते। जब मैं सेवकाई में आया
तो जो काम मैं बाकी कामों को जैसे मैं करता था वैसे ही मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु इस काम को भी मुझे वैसे ही करने देगा, डंके के चोट पे दबा हुआ, कुचलित, सहमा हुआ, डरा हुआ, छुप छुप के, नहीं प्रभु। और जब मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों को याद होगा कि मेरे प्रार्थना में कुछ कुछ शब्द होते हैं कि तू राजाओं का राजा है, हम तेरे पुत्र हैं, सुनाते हम युवराज। क्या है हम? युवराज। अगर हम सृष्टि के रचयिता के पुत्र हैं तो हम युवराज हैं, उससे बड़ा राजा कौन है? यहां कौन है इस सृष्टि में जो उससे बड़ा शक्तिशाली है? और वो कहता है कि तू मेरा गोद लिया हुआ पुत्र है। क्या है? गोद लिया पुत्र है, एडेप्टेड चाइल्ड है हम लोग, उसने हमारे हमको गोद लिया है। और जब मैं इस गोद लिए हुए पुत्र पे पहले मैंने प्रचार करा था तो मैंने बता रखा है अपने बच्चों को कि इंडियन लॉ जो है वो नॉर्मल बच्चों को आप निकाल सकते हैं जो आप किससे जने हैं, जो आपके डीएनए के हैं, जो आपके गर्भ से आए हैं, जो आपके बीज से आए हैं, उनको आप तिरस्कृत कर सकते हैं, लेकिन हमारा भारत का संविधान गोद लिए हुए बच्चों को निकालने का अनुमति नहीं देता। हालेलुया। वो चाह के भी नहीं निकाल सकता। जो आपको गोद ले लिया है वो चाह के भी आपको निकाल नहीं सकता है, जहां तक मुझे जानकारी है कि हमारा संविधान इस बात को अलाउ नहीं करता। और पिता ईश्वर कहते हैं कि आप मेरे गोद लिए हुए बच्चे। वो खुद भी कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ये बार बार कहते हैं। लेकिन आज इन सब के बावजूद आज हम परेशान हैं, आज हम चिंतित हैं। कल प्रभु की दासी और हम लोग की अगुआ यहां आई थी, चिंता के बारे में तकरीबन 1.25 घंटा प्रचार करके गई होंगी। चिंतित हैं, प्रभु कह रहा है कि चिंता नहीं कीजिए, परेशान नहीं होइए। प्रभु आपके खंडहरों को, जैसे आज के वचन में लिखा हुआ है ना, प्रभु कहता है कि हे यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है, वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा के वाटिका के समान बना देगा, उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन के गाने सब सुनाई देंगे। कितना अद्भुत ना, प्रभु कह रहा है आपको यहां सियोन कह के संबोधित करता है। क्या कह के संबोधित करता है? सियोन। और कहता है कि आपके जीवन को वो ऐसा खुशहाल, ऐसा समृद्धिशाली बना देगा जैसा कि उसने अदन का, अदन वाटिका का निर्माण किया था। हालेलुया। अदन का निर्माण, अदन का निर्माण कैसे किया था? हर चीज को अपने से प्लान करके उसने लगाया था, कहां आम का पेड़ होगा, कहां लीची का पेड़ होगा। आप अदन वाटिका के बारे में अगर मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो अदन वाटिका के सब तरफ जल स्रोत था। क्या था? जल स्रोत था। उसको बारिश की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहोवा ने अदन वाटिका का ऐसे निर्माण किया था कि वो मौसम, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके स्रोत पानी का स्रोत। इसीलिए वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें ऐसे जगह पे लगाऊंगा, यहोवा तुझे 58:11, ईशाया 58:11 कहता है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, तू सींची हुई बारी के ऐसे सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी सूखती नहीं है। आपको बारिश के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अदन वाटिका का जब आप पढ़िएगा, आप जब ध्यान से समझिएगा, अदन वाटिका में मैं कल सिस्टर एस्थर को बता रहा था कि जब मनुष्य का निर्माण प्रभु ने किया, जब आदम का निर्माण प्रभु ने किया तो आदम के कार्य का निर्माण नहीं किया था उसने। आदम कोई काम करेगा ऐसा प्रभु ईश्वर ने नियुक्त नहीं किया था। बाइबल इस बात की कहीं चर्चा नहीं है कि आदम का निर्माण हो रहा था और वो इंजीनियरिंग करेगा, या आदम आगे चल के डॉक्टर बनेगा, या आदम आगे चल के फार्मर बनेगा, ऐसा कहीं कोई ऐसी कहीं कोई चर्चा नहीं है बाइबल में। इसी के बारे में प्रभु ने कोई विचार नहीं किया था। या हां, एक विचार जरूर उसने किया था, आदम खाएगा कैसे, आदम रहेगा कहां, और इसका उसने पहले ही प्रबंध कर दिया था। क्या किया था?
पहले ही प्रबंध कर दिया था। ईश्वर कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें किस बात की आवश्यकता है, मैं तेरे मांगने से पहले ही तुम्हारी जरूरत को क्या करता हूं, जानता हूं। तो वो पिता ईश्वर आज कहता है, वो यहोवा कहता है आज कि मैं तुम्हें, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे सोसाइटी को अदन के समान बना दूंगा। कैसे बना दूंगा? अदन वाटिका के समान। और उसमें ऐसा शांति और ऐसा आशीष भर दूंगा कि आपके जीवन से सिर्फ धन्यवाद निकलेगा। क्या निकलेगा? धन्यवाद। और दूसरे वचन में कहते हैं कि आप चाहे जितने भी गिर गए हों, जितने भी बिखर गए हों, जितने भी टूट गए हों, मैं दाऊद की टूटी हुई झोपड़ी को क्या करूंगा? फिर से उठा दूंगा। हालेलुया, फिर से उठा दूंगा। हमारे यहां एक भाई हैं, जब मैं सेवकाई में जुड़ा हुआ था तो मैं उनके घर की स्थिति को देख के तकरीबन रोज ही रोता था, परेशान रहता था। और क्योंकि मैं भी उस समय बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, मैं भी परेशान था, मैं भी बदहाली में था, मुझे भी पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं रहता था, क्योंकि प्रभु मुझे सेवक के रूप में खड़ा कर रहा था और वो चाहता था कि मैं हर बात के लिए घुटना पे आऊं। ऐसा नहीं था कि मेरे पास बिजनेस नहीं था, रिटर्न में बहुत अच्छा खासा भर रहा था उस समय, लेकिन कुछ ऐसा था जो सब कुछ बिखरा हुआ था। और जब मैं प्रभु को समझने लगा, जानने लगा, तो मुझे लगा कि प्रभु चाहता है कि एक सेवक तैयार होने से पहले हर चीज के लिए उस पर डिपेंडेंट हो जाए। क्या हो जाए? डिपेंडेंट हो जाए। और ये डिपेंडेंसी सिखाने के चक्कर में प्रभु उस सेवक को इतना तोड़ता है कि जो सेवक होगा वही इस दर्द को समझ सकता है। बाहरी लोग कभी भी इस दर्द को समझ नहीं सकता है कि सेवकाई करने में किस तरह हमारे ईगो को प्रभु छलनी छलनी करता है, हमारे स्वाभिमान को कुचल देता है, मटिया प्लेद कर देता है। तब जाके एक सेवक तैयार होता है और वो प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। हालेलुया, उसको शून्य कर देता है, समाप्त कर देता है। किसी भी सेवक को अभिषेक देने से पहले समाप्त कर दिया जाता है, उसका अपना अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है। उसकी ना अपनी कोई चाहत रहती है, ना कोई इच्छा रहती है। वो कहता है ना कि तुम अपने शरीर को मार डालो, उसका मतलब एक सेवक ही समझ सकता है जो सही में सेवकाई करने के लिए चला है। और इसी प्रोसेस में मैं था तो मुझे कुछ लोग दिखाई देते थे। तो एक भाई के परिवार में मुझे ले गई सिस्टर एस्थर। मैं जाना पसंद करता था क्योंकि मुझे उस समय सब काम सीखना था, तो मुझे क्यूरियसिटी था। जैसे आजकल बच्चे नहीं पूछते हैं चांद कहाँ से उगता है, सूरज किधर से निकलता है, तो मैं हर छोटा छोटा चीज पूछता। भाई के यहाँ मुझे ले गया गया। उनके पिताजी नर कंकाल की तरह सोए पड़े थे, चादर में ढके हुए थे। जो ये बेड था वो भी कहीं से हायर करके लाया गया था, हॉस्पिटल का बेड, और लगाया गया था। मैं वैसा जीवित बॉडी दुनिया में पहली बार देखा था अपनी आंखों से। टीवी वीवी पर देखा होगा कि सिर्फ कंकाल है और उसके ऊपर से स्किन लगाया हुआ। क्या लगाया हुआ? चमड़ा। एक स्ट्रक्चर है, फ्रेम है हड्डी का, और उसमें कहीं कोई मांस नहीं है, उस पर एक चमड़ा लगाया हुआ, और फूड पाइप और वगैरह सप्लाई पाइप लगा हुआ है, और वो बस वेट किया जा रहा है कि कब ये निकल जाए। और घर की सारी अवस्थाएं ऐसी जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब वो बोलने भी लगूं अगर मैं 15 मिनट तो रो दूं, इतनी बुरी दशा। वो घर क्या था? वो झोपड़ी क्या था? गिरा हुआ था, टूटा हुआ था। दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी, दाऊद की टूटी हुई झोपड़ी, उस समय वो टूटा था, बिखरा था, अस्त व्यस्त था वो घर। ऐसा कि उसी दिन मुझे वो गाना याद आया कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम मैं भूल गया। भाई नीरज के परिवार की स्थिति देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं,
और आज वही भाई नीरज का वचन दत्त हुआ है। मैं जब प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु प्रचार करना क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आया, मैं प्रार्थना किया कुछ नहीं समझ। वास मिशन पे यहां आने से पहले मैं चेहरा धो रहा था तो प्रभु ने बताया कि नीरज की झोपड़ी को जो गिरा दिया गया था मैंने उसको फिर से क्या किया, उठा दिया। मैंने उसके बाड़े के नाके को क्या किया, बढ़ा दिया। मैंने उस घर को जो वो उजड़ा पड़ा था अब अदन के समान बना दिया। हालेलुया। आज वही नीरज भाई बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक में पोस्टेड है। उनकी पत्नी एक परिचारिका है, है ना। और आज दोनों ही वचन दत्त का मतलब कि 90% तो विवाह हो ही गया भाई, लोटा पानी शुद्ध बंधन और ये हो गया। आज प्रभु ने क्या किया, उस घर को ऐसा कर दिया है कि नीरज को सिर्फ धन्यवाद ही देना होगा और कुछ निकलेगा नहीं। जैसे ही नीरज भाई कल शाम में यहां आए, देखिए सिस्टर एस्थर लिख रही थी कि कल का प्रार्थना अगुवाई ये करेंगे। हालेलुया। आज आपकी समस्या हो सकता है कि भाई नीरज के परिवार जैसे हो, हो सकता है जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि कोई भाई लिख रहे हैं कि आज से कुछ दिन पहले, एक दिन पहले या दो दिन में पहले मैं प्रार्थना में कर रहा था कि कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, वो अपना ईएमआई नहीं भर रहे हैं, लोन टूटा हुआ है, आप परेशानी में हैं, प्रभु प्रबंध कर रहा है। और वो लिखते हैं कि आपके प्रार्थना के कुछ ही देर बाद मुझे कहीं से पैसा आ गया और ईएमआई जमा करने को मैं दे दिया। हालेलुया। प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है और आज वही परमेश्वर कह रहा है कि आपके जीवन की चाहे जितनी बुरी समस्या, जितनी भी बुरी समस्या है उसको प्रभु समाप्त करके आपके जीवन को आशीषित कर देगा। हालेलुया। वो क्या करेगा, आपके परिवार को अदन वाटिका के समान बना देगा, आपके जीवन को ऐसा कर देगा कि आपके यहां से सिर्फ क्या निकलेगा, धन्यवाद, कुछ और निकल ही नहीं सकता है। आपको नहीं चाहते हुए भी ईश्वर को क्या करना होगा, धन्यवाद देना। आज फिर बहुत सारे बच्चों के नौकरी का प्रकाशन जो दिया जा रहा है, जैसे प्रभु ने बताया था कि जुआए का नौकरी होगा, बेचारा जुआए फंसा हुआ था, आज उसकी भी नौकरी का कंफर्मेशन हुआ, रश्मि की नौकरी हुआ, नीरज भाई के लिए नौकरी के लिए। तो मैं जो शुरू में लिया था कि प्रभु मुझे ऐसा सामर्थ्य देना कि मैं सेवकाई को डंके के चोट पे करूं, जब यूट्यूब पे आए तो मैंने कहा सिस्टर एस्थर के साथ बैठ के कि हम लोग सब कुछ घोषणा करें, प्रभु जो हम लोगों को बताता है वो हम लोग सरेआम करेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। कौन है, डर के काम नहीं करेंगे हम लोग, बताएंगे लोगों को कि प्रभु आपके जीवन को आशीषित कर रहा है। हालेलुया। हम लोग बताएंगे कि प्रभु आपके गर्भ को आशीषित कर रहा, हम लोग बताएंगे आपको कि प्रभु आपको नौकरी का आशीष दे रहा, हम लोग बताएंगे कि आपके नकारात्मक शक्ति से प्रभु मुक्त कर रहा। क्योंकि कल भी मैं बता रहा था यहां कि दाऊद जब गया गोलियत के सामने खड़ा था और चिल्ला के कह रहा था कि हे गोलियत, आज तेरे मांस को ना मैं कौवा को खिलाऊंगा। इस विश्वास के साथ हम लोग आज आगे बढ़े। ये कॉन्फिडेंस आपको बाहरी लोग नहीं देगा, ये आपको अंदर का आत्मा जो आप में सम्माहित किया गया उससे आपको भरना होगा, चिल्लाना होगा कि बेरोजगारी तुम मेरे जीवन से जाओगे, गरीबी तुम मेरे जीवन से जाओगे, मेरा पिता ईश्वर है, वो राजा है, मैं कभी बदहाली में नहीं रह सकता हूं। हालेलुया। ये चिल्लाना होगा हम लोगों, प्रभु कह रहा है कि सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन का। नीरज के जीवन का बदल सकता है, सोनम के जीवन का बदल सकता है, तो आप लोग एलियन नहीं है ना, उसी के बच्चे हैं और उतने बदमाश भी नहीं होंगे जितने वो दोनों थे, है ना। प्रभु आपके गुण अवगुण को नहीं देखता है, वो आपके अंतकरण को देखता है, आपके भूख को देखता है, आपके प्यास को देखता है। नहीं तो दाऊद लिखता है कि अगर हे प्रभु अगर तू न्याय करने पे आए तो यहां एक भी आदमी धर्मी नहीं मिलेगा। अगर वो हम लोग का हमारे कर्मों के अनुसार न्याय करे तो कोई जाएगा स्वर्ग यहां से, भूषण भाई स्वर्ग तो छोड़ दो, कोई आशीष पाने के लायक रहेगा यहां। हम लोग जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार पाप करते हैं। क्या कहा मैंने, जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार पाप करते हैं।
और हम लोग ईश्वर का क्लेम करते हैं, अच्छा आप मेरा अच्छा नहीं कीजिएगा, प्रभु मुस्कुराता रहोगा, अपना दामन झांक लो। लेकिन इसके बावजूद भी वो आशीषित कर रहा है। लेकिन हम आज डरे हुए हैं, हमको भी दाऊद की तरह, हम सबको भी दाऊद की तरह चिल्लाना होगा, गोलियत के सामने खड़े होकर कहना होगा, ये जो गरीबी का गोलियत है, ये जो आपका व्यभिचार का गोलियत है, ये जो बदहाली का गोलियत है, ये बीमारी का गोलियत है, आपको चिल्लाना होगा। बाइबल एक जगह लिखता है कि अगर आप आत्मिक रूप से मजबूत नहीं है तो बीमारी आपको हरा देगा। हालेलुया, क्या करेगा? नीति वचन में लिखा है अगर आप आत्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मजबूत नहीं है, अगर आप आत्मा से हार गए तो बीमारी से आपको कोई निकाल, कोई भी आदमी आपको उस बीमारी से नहीं निकाल सकता है। और मैं आज आपको एक बात बता के जाऊं इस पुलपिट से कि जो लोग आत्मिक रूप से हार गए हैं वो किसी भी बीमारी से नहीं निकल सकते हैं। बीमारी सिर्फ शारीरिक बीमारी की बात नहीं की जा रही, आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए जो शिष्य यीशु के साथ घूम रहे थे उनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा था भूषण भाई, इसीलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि वो आत्मिक रूप से क्या कर रहे थे, हार जा रहे थे। आज जितने लोग आत्मिक रूप से हार गए हैं उनको जिताने के लिए कोई भी आदमी नहीं आने वाला है। आज हमको चिल्लाना होगा, हम लोगों को अपने विश्वास में आना होगा, कहना होगा कि प्रभु तूने कहा है कि हमारे जीवन को अदन बाटिया के समान बना देगा, तू बना देगा। हालेलुया। कंफ्यूजन हमारे अंदर है, डर हमारे अंदर है, और ये हम जानते हैं। जोश मेयर को मैं एक बार सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि लोग हमारे पास आता है और कहता है कि हमको ना बहुत डर लग रहा है, शैतान ऐसा हमको बोल रहा है कि तुम बर्बाद हो जाओगे। जोश मेयर या जोएल ऑस्टिन को मैं सुन रहा था तो वो बोलते हैं कि कौन बोला, जोएल ऑस्टिन साहब पूछते हैं कौन बोला, तो बोले शैतान बोला। फिर पूछते हैं कौन बोला, तो शैतान बोला। तो ये आपको पता है कि शैतान बोल रहा है कि आपका विवाह नहीं होगा, तो हां। ये आपको पता है कि शैतान बोल रहा है कि आपका बच्चा नहीं होगा, आप बीमार हैं, आप हार्ट पेशेंट हैं, ये आपको पता है, तो हां। आपको पता है कि शैतान आप बोल रहा है आपको नौकरी नहीं होगा, तो हां। आपको पता है कि शैतान बोल, और शैतान कौन है, कौन है? और झूठ पे आप विश्वास कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते? योना 10:10 में लिखा है कि चोर चोरी करने आया है। क्या करने आया है? चोरी करने आया है। वो तो आया ही है आपका आनंद चुराने, वो तो आया ही है आपको परेशान करने, वो तो आया ही आपका विश्वास चुराने। आप यकीन करते हैं तो वो मूर्ख कि आप मूर्ख? कौन है आप लोग? पता है वो झूठा है फिर भी यकीन कर रहे हैं, और परेशान भी हैं और डिप्रेशन में भी हैं, और यहां पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से या मेरे जैसे कैसे दास के माध्यम से बोल रहा है कि तुम्हारा अच्छा होगा, इस पे यकीन नहीं है। लेकिन वो दुष्ट आत्मा, वो जिसको मैं भैया कह के संबोधित करता हूं, वो बोल रहा है कि आप बर्बाद हो जाओगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। हद है यार, सुबह से शाम तक हम लोगों को उत्साहित करके भेज देते हैं, यहां से जैसे 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 जितना दूर जाता है उसका उत्साह उतना ही धीरे धीरे धीरे, जैसे नहीं मोबाइल सुबह में रिचार्ज करके निकाला, शाम तक उसका बैटरी धीरे धीरे पॉइंट घटते 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 गया। हम लोग की स्थिति अद्भुत हो गई। मुझे लगता है कि हर घर के आगे एक प्रॉपर पवित्र आत्मा से अभिषिक्त सेवक को रहना चाहिए। जैसे आप निकले आप उत्साहित रहिए, आप आनंदित रहिए, आपका सब कुछ अच्छा होने वाला एकदम कर, फिर ऑफिस के पास एक सेवक रहना चाहिए, आपका सब अच्छा होने वाला, आपका सब अच्छा, फिर वो ऑफिस से निकला, आपका सब अच्छा होने वाला। हर घर के आगे, हर ऑफिस के आगे एक सेवक को खड़ा करना होगा प्रभु। मुझे लगता है शायद इसीलिए बोला कि मजदूर की कमी है, प्रार्थना करो, दाखबारी के मालिक से प्रार्थना करो कि कुछ और मजदूर भेजे, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सेवक तो कम पड़ ही जाना। अच्छा, उसमें भी परेशानी क्या है कि जो सेवक लोग पहले से बैठे हुए हैं वो दुकानदारी भी करते हैं, तो आत्मिक सेवक चाहिए जो बिना स्वार्थ का आपको रिचार्ज करता रहे। प्रभु कह रहे हैं कि आपके जीवन को वो बदल देगा, आपकी समस्याओं का वो समाधान कर देगा, आप उत्साहित हो जाइए। क्या हो जाइए?
उत्साहित हो जाइए। ये जो बेकार की बातें जो सुन सुन के आप जो बिलीव किए हैं ना, इसको करना बंद कर दीजिए। हालेलुया, इसको बंद कीजिए, इससे आपका कुछ होना जाना नहीं। हां एक चीज जरूर होगा, आप परेशानी में और डिप्रेशन में जरूर रहेंगे और शैतान जोर से ताली बजाएगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या भूषण भाई, नौकरी नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, गरीबी नहीं जाएगी, मम्मी नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे, व्यभिचार से नहीं निकलेंगे, नशा मुक्ति नहीं होगी, झगड़ा समाप्त नहीं होगा। एक दिन रात में हम बैठ के सुने ना, मुझे केवल सिर्फ यही आवाज सुनाई दे रहा था, मुझे लगा कि मेरा अभिषेक रातों रात बढ़ गया। मैं ना यीशु सीरियल देखा था एक बार, बचपन का यीशु, चाइल्ड यीशु, तो देखा कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, दुनिया का सारा प्रॉब्लम उसको सुनाई दे रहा था। और वो अपना दर्शन देख रहे थे यीशु, उसमें जो ये था कि भविष्य में जो होने वाला उनको सुनाई दे रहा था। अचानक रात में मुझे आवाज़ आए महिला का, मैं व्यभिचार में हूँ, पति मेरा सुनता नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा है मेरा। हम ना घबरा के उठ गए। कुछ देर बाद लगा कि जितना काउंसलिंग में हम सुनते हैं वही रिपीट हो रहा है, अभिषेक नहीं बढ़ा राज तुम्हारा। वो सुन सुन के ना वही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा। सुबह से शाम तक मैं क्या सुनता हूं, यही सुनता हूं ना। रात में अचानक मैं घबरा के उठ गया, मुझे पहले खुशी हुआ कि अभिषेक मेरा पड़ गया, आज हो गया काम। लेकिन बाद में पता लगा अभिषेक नहीं बढ़ा था राज का, वो दिन भर जो पिछले 10 साल से सुन रहे ना, अचानक वो सुनाई देने लगा। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ये है कि जो नकारात्मक बातें आप सारा दिन सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको प्रभाव में डाल रहा है। क्या कर रहा है? प्रभाव में डाल रहा है। इसीलिए मैंने युद्ध क्लास में जब शुरुआती दौर में मैं यहां बच्चों के संबोधित करता था, तो मैं कहता था कि आप वैसे हो जाते हैं जिन 5 लोगों से रोज मिलते हैं। कैसे हो जाते हैं? जिन 5 लोगों से लगातार आपकी मुलाकात होती है वैसे हो जाएंगे। अगर 5 लोग में से 4 लोगों का पेट निकला हुआ है तो कुछ महीने बाद आपका भी क्या होगा? बच्चा सब कितना जोर से बोलो, पेट निकल जाएगा। अगर 5 लोग जिनसे मिलते हैं अगर रोज अंग्रेजी बोलने वाला हो तो आपका क्या हो जाएगा? अंग्रेजी सुधर जाएगा। अगर वो प्योर सादरी बोलता हो तो क्या हो जाएगा आपका? अगर वो मुंडा बोलता है तो क्या हो जाएगा, है ना? अगर वो सिर्फ मार झोड़ भात खाता हो तो कैसा हो जाएगा आपका स्वभाव? अगर आप साग खाने वाले के साथ रोज रहते हैं तो आप क्या करिएगा बाद में? साग खाने लगिएगा। इसका मतलब कि अगर आप सारा दिन नकारात्मक सोचने वाले से और गलत गलत बात कहने से वाले से मिलते हैं, कोई अगर आदमी ऐसा आपको हमेशा मिले कि तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता भूषण, रोहित तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, ऐसे अगर आप 5 आदमी से मिलते हैं तो सामने आप क्या आवाज आएगा आपको? तुम्हारा रोहित कुछ नहीं हो सकता है। और इसी आवाज के साथ क्या करेंगे आप? सो जाएंगे। तो कृपया इन लोगों से दूर रहें जो आपको कहते हैं कि आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शैतान के हथियार हैं। क्या हैं? ये शैतान के हथियार हैं। आज मैं एक और चीज आपको बता के जाऊं, जितने लोग आपके घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, जो आपको नकारात्मक कह के संबोधित करते हैं, वो सब कौन है? शैतान के हथियार हैं। वो शैतान उन्हीं के माध्यम से बात करता है और कहता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। वैसे लोगों से आपको क्या करना होगा? दूर रहना होगा आपको आशीष पाने के लिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर आपका परिवार शांति और समृद्धि से भर जाए, तो एक चीज मैं ये कह के जा रहा हूं वचन के अलावा, कि आपको वैसे लोगों से दूर रहना होगा। प्रभु कह रहा है कि मैं आपके घर को आपके परिवार को आशीषित करने जा रहा हूं। कल संध्या में यहां मिठाई का नदी बहाया हुआ था, रोज ही बहता है, प्रभु की कृपा। बहन रश्मि मिठाई बांट रही थी, बहन मेरी मिठाई बांट रही थी, धनी परिवार से ये दोनों हैं। और एक आदमी उदास सा, यहां आंसू निकल नहीं रहा था, आंसू अंदर जा नहीं रहा था। मैंने कहा ज्वाय क्या हुआ?
मन में वो बोल रहा था भैया मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, वो शब्द नहीं दिया मैंने शब्द दिया, ज्वाय ऐसा मन में आ रहा है मेरे ही साथ क्यों होता है। मैंने कहा बच्चा तुम काफी दिनों से परेशान हो, कल सुबह में हमारी मुलाकात करो, हमसे मुलाकात करो। रात्रि में मुझे एक मैसेज आया, उस पर लिखा गया था कि हम लोगों को जो ज्वाइनिंग लेटर आया है ना, ये ज्वाइनिंग लेटर ज्वाय को भी गया है। मैंने कहा कैसे पता, मैंने व्हाट्सएप किया तो वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजा गया, और किसी वजह से ज्वाय का ईमेल आईडी काम नहीं कर रहा, इसलिए ज्वाइनिंग लेटर उसको नहीं किया। एक तो बेचारा एक साल से डिप्रेशन में, रात में और भी ज्यादा डिप्रेशन में है ना। मैंने उसको बोला कि आपने उसको मैसेज किया, उसने कहा कि हाँ मैंने भेज दिया। मैंने कहा डिलीट मार दो, कल सुबह हमारी जब मुलाकात होगी तो ये न्यूज मैं दूंगा उसको, कुछ देर और परेशान रहने दो जुआए भाई को। सुबह सुबह आया, मम्मी का प्रॉब्लम, पापा का प्रॉब्लम, भाई का प्रॉब्लम, बहन का प्रॉब्लम। मैंने कहा भाई अपना निपट लो पहले। आंख में आंसू भरा हुआ, दर्द भरे नगमे जैसे कोई गाता हो वो गाने को तैयार। मैंने कहा जुआ थोड़ा करीब आओ मेरे, तुमको प्रभु नौकरी देने। हाँ भैया मुझे विश्वास है मुझे प्रभु नौकरी मिलेगा। मैंने कहा प्रभु कह रहा नौकरी तुमको मिले। हाँ भैया मुझे विश्वास है। मैंने कहा जुआ नौकरी मिल गया है, इधर आओ दिखाता हूं। उसको लग रहा था कि मैं भविष्यवाणी करूं। मैंने कहा जुआ नौकरी मिला हुआ, इधर देख ये देख। उठ के आया इधर, देखा हाँ भैया ये तो मिल गया है। आज हम सबकी अवस्था जुआई की तरह हो गई, प्रभु ने आशीष को रिलीज कर दिया है, लेकिन हम कहां हैं? कहां हैं? अपने जोन में, अपने डिप्रेशन में, चूंकि वो दिख तो नहीं रहा है इसीलिए हां हो जाएगा भैया बोले हो जाएगा। अरे जब हो जाएगा विश्वास है तो ये कहां से आ रहा है? विश्वास का मतलब वही है जिसको मैं कह के संबोधित करूं और समाप्त करूं। दाऊद एक नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक, बाइबल डिस्क्राइब करता है कि चेहरे पे लालिमा थी, है ना, लालिमा थी, और वो किसी और कार्य बस वहां गया था। और कार्य क्या था उसका, मैंने पहले भी प्रचार में आपको बताया, उसका कार्य था कि वहां प्याज और रोटी लेके गया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और उसके पिता उसको भेजे थे कि जाओ तुम्हारा बड़ा भाई युद्ध में खड़ा है और वो उसको खाना पीना दे के जाओ। मैं दाऊद की अवस्था पहले भी बता रखा हूं कि दाऊद जब वहां पहुंचा तो उसका बड़ा भाई उसको हड़काया, यहां क्या करने आए हो, तुम्हारे पीछे में अगर बकरी भेड़ को कोई खा जाएगा तो कौन देखेगा, निकलो यहां से। ये दाऊद को उस समय कह के ऐसे उसका बड़ा भाई उससे बदतमीजी किया था। आप बाइबल को पढ़ें। और वहां गोलियत चिल्ला रहा था एकदम, सुनिए इतना सारा लोग को मारने काटने का कोई जरूरत नहीं है, कोई एक आदमी को मेरे पास भेज दीजिए, अगर वो मुझे हरा दिया हम निकल जाएं। एकदम खड़ा होकर ललकार रहा था। दाऊद बोला मजाक में, ऐसा ऐसा तो हम कितना मारे। उसी में से कोई सुन लिया, क्या किया, सुन लिया। वो खबर पहुंचाते पहुंचाते कहां पहुंच गया, किसके पास पहुंचा, राजा के पास पहुंच गया। राजा तो दाऊद से पहले से वाकिफ था, क्योंकि उसको पता था कि इसी के चक्कर में तो हम बचे हुए, नहीं तो दुष्ट आत्मा तो रोज खिलाता है हमको। ये बात पता ही नहीं आप लोगों को, साउल हर कुछ दिन पे दुष्ट आत्मा ग्रसित होते थे, उल्टा मुल्टा मुंह बनाते थे, दाऊद आते थे बीना बजाता था और वो रिलीज होते थे। ये काम समस्या तो पहले से था उनके साथ, वो सोचा कि जरूर इसमें कुछ शक्ति है, बुलाया। ये कहानी बहुत पॉपुलर है, लेकिन जिस उद्देश्य के तहत पवित्र आत्मा भी जोड़ा है वो विश्वास हम लोग को चाहिए होगा। इसीलिए दाऊद हमको हमेशा बहुत प्यारा लगता है। दाऊद को अस्त्र शस्त्र सब दिया गया, दाऊद चार कदम चलता था और गिर जाता था, बोल खोल के निकल, हटाओ भाई सब, इस सब से नहीं कुछ होने वाला।
आज आपको दुनियावी ज्ञान, दुनियावी समझ, बाकी जितने भी बात चीजें हो जाए, जितना भी पढ़ा लिखा दिया जाए, जितना भी कर दिया जाए, लेकिन अगर आपका आत्मा जीवित नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये सारा का सारा चीज धरा हुआ है। हम लोग जब कॉलेज लाइफ में थे, कुछ पैसे ऐसे थे जब उनके हाथ में हथियार रखा दे, चला के देखो ना, ना 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 चला ना, है चला ना, 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 ना। आप कभी देखे हैं? कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर से, वो कहां से? आप उसको हथियार भी दे दीजिएगा तो चलेगा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। आज आपको प्रभु सब दे दिया है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस क्या हुआ? हिला हुआ है। आपको लग रहा है अच्छा भविष्य में अच्छा होगा। प्रभु कह रहा है जॉय नौकरी मिल गया। हां भैया यकीन है भविष्य में मिल गया, हमके जॉय नौकरी मिला है। और वो बार बार रिपीट कर रहा, सिस्टर एस्थर भी थी, जॉय आया है या नहीं आया, वो बार बार हम बोल रहे हैं उसको, और वो बार बार हमको यकीन है भैया, विश्वास है हमको भविष्य में नौकरी मिल जाए। हम बोले आज की बात बोल रहे हैं, तुम्हारा लेटर आया हुआ है। कॉन्फिडेंस क्या था? हिल गया था। क्या था? हिला हुआ था। सामने आपको प्रभु आशीष दे रहा है, लेकिन आपका जो है ये कॉन्फिडेंस क्या हुआ? हिला हुआ। आज हम सबके साथ ये समस्या है। प्रभु आज भी कह रहा है कि तुम्हारे घर को अदन बाटिका की तरह बना देंगे, अमित भाई तुम्हारा सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ भैया विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। ये कौन सा विश्वास है जो आज तक हमको समझ में नहीं आया है ना? भाई आपके घर से शराब छूट जाएगा। हाँ हमको भी विश्वास से शराब छूट जाएगा। विश्वास, अभी 31 तारीख का यहां प्रोग्राम चल रहा था, एक भाई कल या परसों लिखे हैं अपने में, 31 के प्रोग्राम में आए, यहां से गए, आज तक शराब नहीं पिए। प्रेज द लॉर्ड, शराब नहीं पिए। उनका घर वाला परेशान है कि 31 तारीख को रिट्रीट में वहां हुआ क्या। एक भाई आज हमसे मिलने आए थे, वो बोले 10 दिन हो गया भैया जब से आपसे मिल के गए सिगरेट नहीं पिए। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं बोला आपको सिगरेट छोड़ने के लिए, भैया मन नहीं करता। हालेलुया। उससे भी बड़ी बात बोलने लगे, भैया आजकल तो दोस्त लोग आता है उन लोग का भी शराब पीने का मन नहीं, उनके मूड नहीं है, छोड़ छोड़ देते। मैंने कहा तुम्हारे चक्कर में पता लगा वो सब भी बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद ही हो जाएगा ना। आजकल तो जो लोग खाता पीता नहीं है उसको लोग शरीफ ही समझता है, शरीफ को तो हम लोग के कॉलेज में बर्बाद ही बोलते थे, है ना। ये कॉन्फिडेंस क्या है? सबका हिला हुआ है। अगर आपके जीवन में आशीष प्रभु आज भी दे रहा है, रिसीव कीजिए उसको। क्या कीजिए? रिसीव कीजिए। प्रभु सबके जीवन को बदल सकता है, वो सामर्थ्य है। और वही परमेश्वर कल भी सिस्टर एस्थर के माध्यम से कहा था और आज भी कह रहा है कि सब कुछ क्या कर रहा है, वो व्यवस्थित कर रहा है, लेकिन उसको ऐसे नहीं, हाँ हम जान रहे हो जाएगा। ये जानना ना हमको आज तक समझ में नहीं आया। कैसा जानना होगा? जो मैंने कहे पहले कहा था, दाऊद जानता था, जानता था ना, इसीलिए गोलियत जिसके बारे में हम लोग 31 को डिस्क्राइब भी कर रहे थे, इतना लंबा चौड़ा ये और दाऊद इतना छोटा, आ जाके बोला गोलियत उसको मुस्कुरा कर, अब तुम मारोगे मुझे। वो समझा कि चूहा है, क्या है गोलियत? दाऊद को चूहा ही समझ रहा होगा, ऐसा ही एक्सप्लेन कर रहा, चूहा मच्छर है, अच्छा तुम आए हो मेरे पास। और वहां दाऊद जो चिल्लाया वही चिल्लाहट उसका कॉन्फिडेंस था। क्या था? कॉन्फिडेंस था कि मैं तुम खातना रहित को, खातना रहित का मतलब कि जो आदमी ईश्वर को नहीं मानता है, और मैं ईश्वर को मानता हूं, आज मेरा ईश्वर तुमको मेरे हाथ में देगा और तुम्हारे मांस को मैं न कौवा को खिलाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप सबको काम करना चाहिए कि मेरा प्रभु बोला है नौकरी होगा तो नौकरी होगा, मेरा प्रभु बोला है विवाह होगा तो होगा। एकदम उत्साह के साथ, आनंद के साथ आगे बढ़ना होगा। उसने कहा है कि मेरे जीवन को अदन बाटिका के समान बना देगा तो वो बना देगा, उसने कहा है कि नौकरी दे देगा तो दे देगा। इस आत्मविश्वास के आगे बढ़ना होगा। समझ में आ रहा? प्रभु आपको जरूर आशीषित करेगा। ये ना किस्सा है, ना कहानी है, ना झूठ है, ना व्यापार है कि हम लोग यहाँ आके कहते हैं कि प्रभु आपको आशीषित करेगा, आशीषित करेगा। ऐसा नहीं है। वो कहता है कि जाके राज बोलो कि मैं इनको आशीषित करूँगा। और पिछले 7-8 महीना से तो हम लोग यूट्यूब पे ही होंगी हैं,
मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि मेरा प्रभु सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है। वो प्रमाणित करता है, वो पहले बोलता है और फिर करता है। वो अपने दास, अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता के माध्यम से पहले बोलता है और करता है। आप रोज यूट्यूब पे जुड़ के देख लीजिए, प्रभु पहले बोलता है और वो चीज पूरा करता है। वही प्रभु आज भी कह रहा है कि आपके जीवन की चाहे जो भी समस्या है उसको प्रभु समाप्त करने जा रहा है। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए खड़े हो जाएं। हम पूरे विश्वास के साथ इस वक्त हम भी आज दाऊद की तरह चिल्लाएंगे कि प्रभु हम जानते हैं कि हमारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हम जानते हैं कि प्रभु तूने कहा है कि संतान का आशीष देगा तो देगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि तूने कहा है कि हमारे जीवन से बीमारी जाएगी तो जाएगी पिता। हम जानते हैं प्रभु कि तूने कहा है कि हमारी गरीबी से हमारे मुक्ति मिलेगी तो मिलेगी प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि तूने कहा है कि हमारा विवाह होगा तो होगा प्रभु। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अभिषेक मिलना है तो मिलना है प्रभु। तू सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है, तू झूठा नहीं है प्रभु। तो जो कहता है वो करता है। तूने कहा कि आकाश का निर्माण हो जाए तो हो गया। धन्यवाद करते हैं पिता। तूने आज कहा है कि तू हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे घर को अदन वाटिका के समान बना देगा। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का आज तूने अंत कर दिया है प्रभु। इस विश्वास के साथ आज प्रार्थना में जुड़े। धन्यवाद यीशु। हम सब पे तेरा नियंत्रण है प्रभु। जितने लोगों को स्वर्गीय भाषा का आशीष है वो कृपया स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें, प्रार्थना में हमारा सहयोग करें, प्रार्थना में बने रहें। पिता आप सबको स्पर्श करने जा रहा है आज। ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। 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 यीशु ने दामन हमारा मोतियों से सुने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। जो किया था वायदा, जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा
की है दयालु पिता। इस वक्त इतने लोग नशे से ग्रसित हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं उनके लिए, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए, जो एग्जाम और पढ़ाई के संबंधित प्रार्थना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा के संबंधित प्रार्थना चाहते हैं, जो परिवार में किसी समस्या के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो शादी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो निसंतान है उनके लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो मन पे ईश्वर आपकी कृपा हो उनके लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो बाल झड़ने की समस्या के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जिनका पेपर खो गया है या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो एडमिशन संबंधित प्रार्थना चाहते हैं, जिनका पैसा कहीं फंस गया है इस संबंधित प्रार्थना चाहते हैं, जिनका कोई सामान खो गया है उसके लिए प्रार्थना, कोई काम रुका हुआ उनके लिए प्रार्थना, कोर्ट केस है उनके लिए प्रार्थना, प्रभु इन तमाम समस्याओं को तेरे हाथों में समर्पित कर। प्रभु यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, जो लोग यूट्यूब पे हैं प्रभु, उनके भी सारी समस्याओं को तेरे हाथों में समर्पित कर। जो लिख नहीं पाए हैं, लिखा नहीं पाए हैं, लेकिन उनके जीवन में जो समस्या है पिता, उन तमाम समस्या को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि हे दयालु पिता, ये यहोवा, यहोवा हे दया के सागर, प्रभु इन तमाम बच्चों पे अपने रहम कर, करम कर। प्रभु तूने आज कहा है प्रभु कि तू इनके टूटे हुए झोपड़ी को फिर से उठाएगा, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज ही इनके जीवन की तमाम समस्याओं का अंत हो जाए। तू इन सब के दामन को प्रभु मोतियों से भर रहा है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू आज हम कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु बीमारियों से मुक्त कर रहा, धन्यवाद करें। इस वक्त बहुत सारे लोगों को आज प्रभु स्पर्श कर रहा है, आत्मिक रूप से स्पर्श कर रहा है ऐसे बच्चों को प्रभु। आज बहुत सारे लोगों को बीमारी से मुक्त कर रहा है, उन तमाम बीमारी से जो लोग मुक्त हो रहे हैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। कुछ लोग अल्सर से इस वक्त चंगाई पा रहे हैं, कुछ लोग अल्सर से इस वक्त रिलीज हो रहे हैं, कुछ लोग लिकोरिया से इस वक्त रिलीज हो रहे हैं, कुछ लोग कैंसर से प्रभु इस वक्त रिलीज कर रहा है, कुछ लोग इस वक्त टीबी से रिलीज हो रहा है, कुछ लोग इस वक्त कोरोना से रिलीज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त गैस्ट्रिक से रिलीज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग उल्टी की समस्या से प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है, बहुत सारे लोग सर्दी खांसी बुखार से इस वक्त मुक्त किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग लूज मोशन से दस से इस वक्त मुक्त कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभु टाइफाइड से मुक्त कर रहा है, एडी में जिसको दर्द है प्रभु रिलीज कर रहा है इस वक्त, किसी को एलर्जी है खुजली है प्रभु रिलीज कर रहा है, बवासीर से प्रभु मुक्त कर रहा है, सिर दर्द की समस्या से प्रभु मुक्त कर रहा है, लकवा से प्रभु मुक्त कर रहा है, गठिया से प्रभु मुक्त कर रहा है, बाल झड़ने की समस्या से पिता इस वक्त मुक्त कर रहे हैं, कमर दर्द से प्रभु मुक्त कर रहे हैं, घुटने में जो दर्द है प्रभु उससे मुक्त कर रहे हैं, शुगर की समस्या से पिता इस वक्त मुक्त कर रहे हैं, बीपी की समस्या से प्रभु मुक्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई अंग टूटा हुआ है, काफी से जुड़ नहीं रहा है प्रभु उसको जोड़ रहे, धन्यवाद करें धन्यवाद करें। इस वक्त आंखों में किसी प्रकार की समस्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके आंख से लगातार पानी गिर रहे हैं, प्रभु उनसे मुक्ति दे रहा है, धुंधलापन है प्रभु उसे मुक्ति कर रहा है, दांत में दर्द है प्रभु रिलीज कर रहा है, शरीर में किसी भी अंग में सूजन है प्रभु रिलीज कर रहा है। इन तमाम आशीषों के लिए हम इस वक्त प्रभु को धन्यवाद करें कि हे दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे इस रहम के लिए, धन्यवाद करते हैं तूने कहा आज किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं प्रभु, तेरे वचनों ने चंगा किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं इन सबको तूने चंगाई दिया है प्रभु, इन सबको तूने आज की रात स्पर्श किया है प्रभु, तू इन तमाम बीमारियों से उन सबको और हम सबको मुक्त किया है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद कर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों की जो जिंदगी पावन कर दिया, ये सुने अपने लहू
मुझको पावन कर दिया। ये सुने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। इस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो छत से गिर गए, उनके लिए प्रार्थना करें इस वक्त कि पिता जितने लोग गिर गए हैं ऊंचाई से प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि प्रभु ने उनकी मदद कर, उन पर रहम कर प्रभु। जो लोग भी कहीं किसी ऊंचाई से गिरे हैं, स्लिप किए हैं या जैसी भी अवस्था है प्रभु, उनकी मदद कर प्रभु, मदद कर प्रभु, उनकी सारी समस्याओं से उन्हें मुक्त कर प्रभु। मैं इस वक्त उन तमाम बच्चों को धन्यवाद देने के लिए कह रहा हूं कि जिनको नौकरी मिल गई है या जिनको नौकरी शीघ्र मिलने जा रही है, ऐसे तमाम बच्चे जिनका नाम आज पिता ने दिया है रश्मि, प्रभु कह रहा है धन्यवाद करें पिता का। ज्वाय, प्रभु कह रहा है धन्यवाद करें पिता का। रोहित, प्रभु कह रहे हैं धन्यवाद करें पिता का। विनीता, प्रभु कह रहे हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। अजय, प्रभु कह रहा है कि प्रभु का धन्यवाद करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। भूषण, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, विश्वास के साथ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, वैसे ही दाऊद की तरह चिल्ला के धन्यवाद करें उसको, धन्यवाद करें। बहन मनीता, धन्यवाद करें, प्रभु आपको नौकरी का आशीष देने जा रहा है। बहन कीर्ति, प्रभु आपको नौकरी का आशीष देने जा रहा है। अंजना, आप टाटा से हैं, बहन अंजना आप टाटा से हैं, धन्यवाद करें, प्रभु आप लोगों को नौकरी देने जा रहा है, उस पिता को, उस दयालु पिता को, उस कृपालु पिता को, वो करुणामय परमेश्वर को आज धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। कोई आशना है, प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। ज्योति, प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। ज्योति सिंह मुंडा, प्रभु आपको नौकरी का आशीष दे रहा है। मनीष, प्रभु आपको नौकरी का आशीष दे रहा है। भाई अमित, प्रभु आपको नौकरी का आशीष देना है। शालिनी, प्रभु आपको नौकरी का आशीष दे रहा है। वेरोनिका, प्रभु आपको नौकरी का आशीष दे रहा है। बेर्थिला, प्रभु आपको नौकरी का आशीष दे रहा है। सुबोध धान, प्रभु आपको नौकरी का आशीष दे रहा है। नूतन, प्रभु आपको नौकरी का आशीष देना है। अर्चना, प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। प्रिया, प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। समीर, प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। ये तमाम बच्चे इस वक्त प्रभु को धन्यवाद करें उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए। पिता ईश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु यीशु को धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें। वो सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है, आपके जीवन को उन्नत समृद्ध करने जा रहा है, आर्थिक आशीष से आशीषित करने जा रहा है, आपको नौकरी का आशीष देने जा रहा है। धन्यवाद करें उसके इस कृपा के लिए, धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। इस वक्त किसी को गोली लगी है, हम प्रार्थना करेंगे उस बॉडी के लिए, उस शरीर के लिए कि प्रभु जो भी दुर्घटना में जहां कहीं भी कोई ऐसी दुर्घटना घटी है प्रभु, उस परिवार को, उस बच्चे को शीघ्र से शीघ्र चिकित्सक के पास पहुंचाने का काम करिए प्रभु, मदद करिए प्रभु, उस शोकित परिवार को, उस टूटे हुए परिवार का इंतजाम कीजिए प्रभु, जिसके भी माध्यम से ये कार्य हुआ उसे क्षमा करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। मैं बहुत सारा दंगा फसाद देख पा रहा हूँ प्रभु, जहां भी जिस प्रकार से भी झगड़ा हो रहा है इस वक्त, उस झगड़े से प्रभु तू नियंत्रण कर प्रभु। ये तेरे ही बच्चे हैं प्रभु, ये तेरे ही लोग हैं प्रभु, शैतान इनको आपस में भिड़ाया हुआ है, आपस में लड़ा के ये सब कुछ सर्वनाश करने पे लगे हुए प्रभु, तूने शांति अपनी प्रज्ञा अपने दया से भर प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। मैं फिर से वैसे बच्चों को देख पा रहा हूँ जो सुसाइड करना चाह रहे हैं, ऊंचाई से कूद के अपने जान देना चाह रहे हैं। प्रभु उन्हें क्षमा करिए पिता, पिता इन्हें क्षमा करिए प्रभु, अपने नियंत्रण में लीजिए। पवित्र आत्मा उन्हें बताइए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु, आप उनके लिए अपने पितर यीशु को पृथ्वी पे भेजे हैं प्रभु, उन्हें बचाइए प्रभु, उन्हें पे दया कीजिए प्रभु। ये किसी के बेटे, किसी की बेटी, किसी के भाई, किसी के बहन हो सकते हैं प्रभु, इन पे दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, ठोकरों दर्द
दर्द से मुक्त कर रहा है, मुक्त कर रहा है। जहां हम बेल्ट लगाते हैं उसके ऊपर, कमर के ऊपर बहुत तेज है दर्द है किसी को, प्रभु इस वक्त रिलीज कर रहा है आप। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। पैर के अंगूठे में, नाखून में किसी को समस्या है या दर्द हो रहा है किसी प्रकार का, प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है, मुक्त कर रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रभु इस वक्त नशे की लत से मुक्त कर रहा है, नशे से छुटकारा दे रहा है प्रभु इस वक्त, नशे से छुटकारा दे रहा है। शिंगा मुंडा कोई है, प्रभु आपको नशे की लत से मुक्त कर रहा है। मुकेश, प्रभु आपको नशे की लत से मुक्त कर रहा है। मनोज, प्रभु आपको मुक्त कर रहा है हर वो नशे की लत से। राहुल, प्रभु आपको मुक्त कर रहा है। संजय, प्रभु आपको रिलीज कर रहा है नशे की लत से। विजय, प्रभु आपको नशे की लत से मुक्ति मिल रही। राजेश, धन्यवाद करें। ये तमाम भाई बहन जो भी हैं, प्रभु आज आपको मुक्त कर रहा है इस नशे की लत से, प्रभु मुक्त कर रहा है। प्रभु कहता है कुछ लोग विश्वास के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रेरित, प्रभु से प्रार्थना कीजिए इस वक्त। बहन संध्या, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसे कहिए जैसे उसके शिष्य ने कहा था कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आज हम सब आत्मा में एक होकर कहेंगे कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। यह विश्वास एक वरदान है, जब तक तू देगा नहीं हमें मिलेगा नहीं। विनीता, प्रभु से कहिए कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। रोशनी, माधुरी, लूकस, वेरोनिका, विवेकमणि, लता, शमिता, समीर, प्रफुल्ल, दिव्या, राकेश, सुप्रिया, ईशा प्रिया, किंडो, अनमोल, निर्मला, अमाता, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु से इस वक्त प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु का आत्मा स्पर्श कर रहा है। उसने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। प्रार्थना योद्धा परिवार निरंतर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप तीनों को मांगता है। ये बच्चे जिनको आप स्पर्श करने जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। कुछ बच्चे को प्रभु का आत्मा इस पर स्पर्श कर रहा है। बहन निशी, प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। ईशी का, एलिश, याकूब, मरियम, कुसुम, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, उसको अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से निकाला जा रहा है और पवित्र आत्मा का प्रवेश हो रहा है आपके अंदर। जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा अपने आप चला जाता है। धन्यवाद करें इस वक्त, धन्यवाद करें इस वक्त। बहन बासुमती, प्रभु की विशेष कृपा हो रही है आप। धन्यवाद करें इस वक्त इस दया के लिए, इस अनुग्रह के लिए। कुछ लोग हैं जो निरंतर कर्ज से और आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि इस वक्त आर्थिक समस्या और कर्ज से प्रभु मुक्त करेगा। प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौर और समतल करूंगा। आपने कहा गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। हे प्रभु, तूने कहा है कि इस भवन की पिछली महिमा से बड़ी इसकी अगली होगी। तूने कहा है कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है। हे दयालु पिता, जितने लोग इस वक्त आर्थिक तंगी में है, कर्ज में है, बदहाली में है प्रभु, उन सबको इस वक्त मुक्त कर दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हम जैसे जितने लोग हैं प्रभु उन सबको कर्ज से मुक्त कर दिया पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद कीजिए इस वक्त, धन्यवाद करिए। कुछ लोग इस वक्त मानसिक रोगी है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको तू रिलीज कर रहा है प्रभु। जिनकी भी मानसिक समस्या है प्रभु,
प्रभु उनको तू मुक्त कर रहा है। जिन लोगों को भूलने की आदत है प्रभु, मैं उनको लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनके ये मेमोरी लॉस से, शॉर्ट मेमोरी से प्रभु मुक्त कर। प्रभु शारीरिक बहुत सारी समस्याओं से इस वक्त प्रभु ने स्पर्श किया है, छुआ है प्रभु। इन दिनों बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक चंगाई दे रहा है प्रभु, अभिषेक दे रहा है हम सब लोगों को। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ योना 20:22 के निमित्त जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है कि पवित्र आत्मा को फूको। मैं प्रभु इन तमाम लोगों के ऊपर अपनी अगुआ सिस्टर स्तर, हमारे जितने सहयोगी भाई बहन आत्मा में एक होते हैं प्रभु, और इन सब के ऊपर तेरे आत्मा को फूक देते हैं प्रभु। Luka 11:13 में तूने कहा मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दिया जाएगा। तूने यह अधिकार दिया है योना 20:22 में हमें। हम सब यीशु की तरह इनके ऊपर पवित्र आत्मा को फूंकते हैं प्रभु, विश्वास को वरदान दे प्रभु। ये प्रभु बहुत तो आज तो स्वर्गीय भाषा का अभिषेक दे रहा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुतों को अभी और इसी वक्त स्वर्गीय भाषा का अभिषेक मिलना। आप स्तुति करें उसकी, आप महिमा करें, जहां भी है जिस जगह पे है इसी वक्त प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। भाषा काला भाषा धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, ग्लोरी टू गॉड, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद करते हैं इस दया के लिए, धन्यवाद करते हैं इस तरह मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए प्रभु। धन्यवाद ईशु तेरे आनंद के लिए, तेरे रोशनी के लिए जो जो तुम्हारे जीवन में भरता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं जिन लोगों को भी बोलने में समस्या है प्रभु, अपने आपके मुख पे अपने शब्दों को रख रहा है इस वक्त। यिर्मयाह 1:9 का आशीष रख रहा है, जिनको भी बोलने में हेजिटेशन है, धन्यवाद करे ईश्वर। उस कहे प्रभु को कि प्रभु आपने मूसा की तरह मुझे बोलने में को शब्द दिया है, सामर्थ्य दिया है प्रभु। मैं कहीं भी जाऊंगा आपके शक्ति और आपके सामर्थ्य चिल्लाऊंगा। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। हम तमाम बच्चों को तूने स्पष्ट रूप से स्पर्श किया। कोई बहन मोनालिसा है प्रभु, इस वक्त स्पर्श कर रहा है, आपको छू रहा है। कोई बहन मोनालिसा है प्रभु, आपको स्पर्श कर रहा है इस वक्त। धन्यवाद करो उसको, अपना समर्पित करे सब कुछ। अविश्वास नहीं कर, अविश्वास ना करे। प्रभु को कंट्रोल लेने दे ऊपर, अपने ऊपर प्रभु को नियंत्रित करने दे इस वक्त। जितने लोगों का नाम का उद्घोषणा हुआ है, धन्यवाद करे पिता का, धन्यवाद ईश्वर। पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा। ये सुने अपने लहू से, ये सुने अपने लहू से, मुझको पावन कर दिया। ये सुने अपने लहू से, मुझको पावन कर दिया। ये सुने प्रार्थना करता हूँ, जितने भी सेवक हैं, दास दासी हैं, जिस भी चर्च के फादर हैं, बिशप हैं, पादरी हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ फादर स्वामी अनिल देव जी के लिए, और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, ज्वाइल स्ट्रीट के लिए, ज्वाइल मेयर साहब के लिए, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनको विश्वास का वरदान दो। मैं अपने अगुआ सिस्टर स्तर के लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु उन सबको विश्वास का वरदान दे। उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है प्रभु, उन सबसे उन्हें मुक्त कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन दिनों जिनके भी घर में कोई भी कार्यक्रम है प्रभु, उन पर तेरा नियंत्रण हो। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जहाँ भी रिट्रीट होने वाला है प्रभु, उन सब पर तेरा नियंत्रण हो। विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं, दास हैं, दासी हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। अपने देश के पासवान के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं प्रभु। हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने सगे संबंधी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने सहयोगी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जहाँ से सब्जी लेते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हमें जो दूध देता है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हमें जो चिकन मछली मीट देता है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा जहाँ से राशन आता है उनके लिए प्रार्थना करते हैं,
जो हमारा सर्विसिंग करता है गाड़ी का उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे बाल काटते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु हमारे जीवन से जुड़े जितने भाई बहन हैं जिस भी प्रकार से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो हमारे घर को बनाते हैं, जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आसपास से चलने वाले जितने सहयात्री हैं, जो दूसरे गाड़ी से दूसरे स्कूटर से चलते हैं हमारे पास, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने ट्रैफिक पुलिस हैं उनके लिए, जितने डॉक्टर हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस क्षेत्र में जहाँ मैं सेवकाई करता हूँ प्रभु, इस क्षेत्र के आसपास के जितने लोग हैं प्रभु, चाहे वो जिस धर्म जाति से, प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। इन सबको छूना प्रभु, इन सबको विश्वास का प्रदान देना प्रभु, इन सबके जीवन में जो भी समस्या है उनका समाधान करना प्रभु। जिस भी घर में ये यूट्यूब का प्रोग्राम देखा जा रहा है, उस घर के लिए, उस अपार्टमेंट के लिए, उस पूरे मोहल्ले के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उस राज्य के लिए, उस देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रभु उन्हें विश्वास का वरदान देना, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो प्रभु, वो किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण ना बने प्रभु। सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं पिता, इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना वाला परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकारी नियमों का पालन कीजिए, प्रभु के आदेश का पालन करिए। जैसे मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना उद्धव परिवार अगर आपके किसी भी काम आता है तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय।